भारत में कब हुई थी पर्दा प्रथा की शुरुआत? क्या ये सिस्टम मुगल भारत में लाए थे और ऐसा कोई सिस्टम हिंदू धर्म में नहीं था? जानेंगे पूरी बात। और कौन है सोशल मीडिया पर आग लगाने वाली ये खूबसूरत मोहतरमा जिनकी वीडियोस आपकी धड़कने तेज कर देगी? और ये आजकल क्यों खूब वायरल हो रही है? और कैसे हुई थी अकबर के सबसे भरोसेमंद बीरबल की मौत, जानकर आप दंग रह जाएंगे। और शादी में डीजे के आगे नाचते हैं तो हो जाइए सावधान, किसी भी वक्त हो सकती है आपकी मौत। और भारत में बनने वाली है दुनिया के पहले नॉन लीनियर सिंगल शॉर्ट मूवी, क्या है ये बताएंगे आपको आज की वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर वन, इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन मोहतरमा का नाम डेजी एजी है। डेजी एजी हिंदी और पंजाबी गानों पर तरह तरह की रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। लोगों को उनकी अदाएं और उनकी एक्टिंग काफी पसंद आती है। डेजी का असली नाम मेनका ठाकुर है, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। डेजी को एक्टिंग के क्षेत्र में लाने में सबसे बड़ा योगदान उनके पिता का रहा है। डेजी के पिता भी एक अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। पिता ने ठान लिया कि वे अपनी बेटी को एक सफल अभिनेत्री बना कर रहेंगे। फिलहाल डेजी के पिता अपने गांव में सेब की खेती करते हैं। डेजी की एक छोटी बहन भी है जो उनकी तरह ही इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती है। कई बार दोनों बहनें साथ में भी रील्स में नजर आती हैं। डेजी इन दिनों पंजाब के मोहाली जिले में अपनी बहन और दो पेट्स के साथ रहती है। डेजी का सपना है कि वो हिंदी और पंजाबी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम कर सके। नंबर टू, बारात शादी ब्याह और अन्य समारोह में सभी मनोरंजन के लिए तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर डीजे वाले को बुक किया जाता है, लेकिन डीजे के कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामने आया है। अपने दोस्त की बारात में नाचने के दौरान 18 साल का राज अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि उसके दिल के पास खून का धक्का जम गया है। ऐसा लाउडस्पीकर और डीजे की तेज आवाज के कारण हुआ था। इंसान के कान एक तय मात्रा तक ही आवाज को बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे अधिक शोर से इंसान हमेशा के लिए बहरा हो सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। अगली बार जब आप डीजे बुक करें तो बेहद सोच समझकर उसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहें। नंबर थ्री, किन्नरों को कभी भी समाज में वो स्थान नहीं दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए। समाज में हमेशा ही उन्हें अलग थलग समझा जा रहा है। यहाँ तक कि खुद किन्नरों और ट्रांसजेंडर्स के घर वाले ही उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। स्कूल में उन्हें ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती। कुछ ट्रांसजेंडर्स खुद ही घर से दूर चले जाने का फैसला करते हैं। ऐसे लोगों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है। इन गरिमा गृहों में ट्रांसजेंडर्स को कई प्रकार के कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई आदि के काम सिखाए जा रहे हैं, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इन गरिमा गृह में आने वाले सभी ट्रांसजेंडर्स सरकार के इस प्रोजेक्ट से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि वो दिन अब दूर नहीं जब समाज में सभी तबके के लोग ट्रांसजेंडर्स को स्वीकार करेंगे और समाज का हिस्सा मानेंगे। नंबर फोर, सन 1980 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले अभिनेत्रियों में एक नाम मंदाकिनी का भी रहा है। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने कई बोल्ड सीन्स दिए, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मंदाकिनी का असली नाम यास्मिन जोसेफ है। वो एक एंग्लो इंडियन है, उनकी माँ इंडियन है तो पिता ब्रिटिश मूल के। मंदाकिनी ने सन 1990 के दशक में बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कागयुर टी रिनपोचे से शादी की थी। 1990 के आसपास मंदाकिनी का नाम कई बार दाऊद इब्राहिम के साथ भी जोड़ा गया और दोनों को साथ में स्पॉट भी किया गया था। दाऊद के साथ नाम जोड़े जाने के बाद मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। मंदाकिनी फिलहाल मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है, जहां वो एक हर्बल सेंटर चलाती है और योगा क्लासेस भी लेती है। नंबर फाइव, फिल्म स्टार्स की बॉडी डबल होने का इस्तेमाल अक्सर एक्शन सीन्स के दौरान किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप ही खुद को बड़े स्टार्स के डुप्लीकेट समझना शुरू कर देते हैं। लखनऊ में सलमान खान के डुप्लीकेट को पुलिस ने हिरासत में लिया। डुप्लीकेट सलमान खान अक्सर भीड़ सड़कों पर वीडियो शूट करवाता नजर आता था और बाद में रील्स बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। कई बार तो डुप्लीकेट सलमान खान अर्धनग्न हालत में भी वीडियो बनाते देखा जा चुका है। डुप्लीकेट सलमान खान को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लखनऊ के सड़कों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो जाती है। डुप्लीकेट सलमान खान को हिरासत में लेने के बाद उसके खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। सिक्स, भारत में सदियों से पर्दा प्रथा की परंपरा चली आ रही है। मुसलमान हो या हिंदू, हर धर्म में पर्दा प्रथा का चलना है। इस्लाम धर्म में महिलाओं को बुरका या नकाब पहनने को कहा जाता है, तो वहीं हिंदुओं में महिलाओं को घूंघट करना होता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आज भी कई जगह महिलाएं पूरा समय घूंघट में ही रहती है। लेकिन ये पर्दा प्रथा का चलन भारत में कब से शुरू हुआ? ना तो रामायण में और ना ही महाभारत में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा किसी पुराण या ग्रंथ में पर्दा प्रथा के बारे में जिक्र नहीं है। कहा जाता है कि भारत में मुगलों के आने के बाद पर्दा प्रथा का सिस्टम शुरू हुआ। महिलाएं अपने इज्जत बचाने और
बाहर से बचने के लिए चेहरे को ढका करती थी। इससे पहले सिर्फ कुछ राजघरानों में ही पर्दा प्रथा का चलन मौजूद था। भारत में सबसे पहले घूंघट ढकने की शुरुआत 12वीं सदी के दौरान सुनने को मिलती है। आज भारत भले ही पश्चिमी देशों से खुद की तुलना कर रहा हो, चाहे भारत का समाज खुद को कितना ही आधुनिक क्यों न कह ले, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज भी महिलाओं को समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है। नंबर 7, साउथ की फिल्में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचा रही है। भारत में पहली बार दुनिया की नॉन लीनियर सिंगल शॉर्ट मूवी बनने वाली है। ये एक तमिल फिल्म होगी जिसका टाइटल इरविन इज हाल। इस फिल्म में 3 ऑस्कर विनिंग लोग काम कर रहे हैं, जिनमें AR रहमान, साउंड डिजाइनर क्रेग मैन और VFX सुपरवाइजर कोटलांगो लियोन का नाम शामिल है। नॉन लीनियर मूवी वो होती है जिसमें स्टोरी अलग अलग टाइम पर लाइन में शूट की जाती है। उदाहरण के लिए आप फिल्म आलिया भट्ट की गंगूबाई या आमिर खान के 3 Idiots ले सकते हैं। वही सिंगल शॉर्ट मूवी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एक शॉट में पूरी फिल्म शूट करना आसान काम नहीं। इसके लिए 75 acres जगह में 50 अलग अलग सेट्स तैयार किए गए हैं। एक शॉट में फिल्म शूट करने के लिए 90 दिनों की रिहर्सल भी की गई है। यदि कोई भी सीन गलत हो जाता है तो ये सिंगल शॉट मूवी नहीं कहलाएगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 seconds। नंबर 8, अकबर और बीरबल की कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी होंगी, जिसमें बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से सुनकर आपने ठहाके भी बहुत लगाए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीरबल की मौत कैसे हुई थी? असल में ये बात 1586 के उस समय अफगान के यूसुफ जई ने मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसका सामना करने के लिए जैन खान कोका को भेजा गया। जैन युद्ध में हार रहे थे, लेकिन उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी कि वो जीतने ही वाले हैं, बस उन्हें थोड़ी सी सेना की जरूरत है। इसके बाद बीरबल ने अकबर से युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की। बीरबल वैसे तो बहुत कुशल थे, लेकिन उन्हें युद्ध नीति का ज्यादा ज्ञान नहीं था। जब बीरबल वहां पहुंचे तो रात हुई, तो उसी जगह दुश्मन की सेना इंतजार में बैठी थी। रात के समय में अफगानी सेना ने बीरबल और उनके 8000 सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें बीरबल की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि बीरबल की लाश भी बरामद नहीं हो पाई थी और इसीलिए वहां मौजूद सभी लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बीरबल की लाश का भी अंतिम संस्कार हो सके।